हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड गाइज फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Free Fire eSports के बारे में TSG आर्मी के बारे में एंड मेरे बारे में क्या मैं eSports खेलूंगा या नहीं आइए देखते हैं मजा आया तो गाइस काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे ये सब कि ऋतिक भाई क्या आप eSports खेलोगे एंड Free Fire का eSports क्या होने वाला है तो गाइस गेम फाइनली पांच तारीख को वापस आने वाला है मतलब कल तो गाइस बी रेडी आप लोग को भी कांग्रेचुलेशंस मुझे भी कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन काफी वेट किया हमने 1.5 इयर्स

लोगों को लोग क्या चाहते हैं तो मैं यहाँ पे बहुत से नेगेटिव कमेंट्स भी देखता हूँ जो कि लोग बोलते हैं कि भाई आप ई e स्पोर्ट्स मत खेलो आप वीक कर देते हो टीम को ये वो फलाना ढिमकाना जो कि मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे को खेलना है मैं खेलूंगा भाड़ में जाओ एंड लोग मुझे बोलते हैं तो टी एस डी में मत खेल भाई टी एस डी है इधर ई स्पोर्ट्स में ठीक है और तुम मुझे बोल रहे हो मेरी टीम में मत खेलेगा ऐसा नहीं तो होता भाई अगर मेरी टीम तो वही रहेगी अगर आपको कोई प्लेयर चाहिए तो आप उसको बोल दो भाई तू दूसरी टीम में खेल ले वो खेल ले टीएसडी आर्मी मेरी टीम है यहाँ पे बहुत सारी टीम्स होती है गाइस लोग टीएसजी को ही क्यों फोकस करते हैं क्योंकि टीएसजी एक पॉपुलर टीम है भाई बनाइए भाई तुम मेरे को नहीं निकाल सकते मेरी टीम से आपको अगर चाहिए तो आप दूसरी टीम को सपोर्ट करो तो यस ऋतिक भाई तो ई स्पोर्ट्स खेलेंगे बट ये गाइस Uh, एक है बहुत से लोग हैं यार जो मेरे को चाहते हैं ई स्पोर्ट्स खेले 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 एंड मैं देखता हूँ बहुत से पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं मैं एक लिटरली रील डालता हूँ ई स्पोर्ट्स को लेके कर रो लोग पूरे इमोशन बहा देते भाई यार आपको देख के अलग ही वाइब आ जाती है ये आ जाती है जब भी मैं ई स्पोर्ट्स को लेके कुछ भी पोस्ट करता हूँ तो यार थैंक यू सो मच भाई इतना प्यार करने के लिए जो भी लोग प्यार करते हैं भाई क्योंकि उनको पता है स्टार्टिंग से Uh, कितना कुछ सहा है हमने और वो लोग हमारी जर्नी में पूरे साथ थे तो दिल से शुक्रिया भाई जो भी लोग हमारी जर्नी में थे बट यस गाइज इस बार का ई स्पोर्ट्स में भी जो आने वाला है बहुत ही जल्द आने वाला है वो मैं नहीं खेल पाऊँगा क्योंकि भाई डेढ़ साल गेम बनता बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी गेम को लिटरली छोड़ दिया था तो हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो लगती है भाई ई स्पोर्ट्स में है प्रैक्टिस लगती है जो चीज़ें हैं वो मैं खुद मानता हूँ भाई कि ऐसे ही उठ के हम ई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते ये तो बहुत सी चीज़ें लगती है तो अपन खेलेंगे ई स्पोर्ट्स आने वाले टाइम में क्योंकि अभी एक दो महीना जो गेम आने वाला है उसमें अपन बहुत हार्ड ग्राइंड करेंगे एंड देन अपन आने वाले टूर्नामेंट्स होने वाले बहुत सारे टूर्नामेंट्स आने वाले तो अब थोड़ी टूर्नामेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं गाइज okay. हम दूसरे सेगमेंट पे जाएंगे टीएसजी आर्मी के लाइनअप को हम एंड में रखेंगे गाइस लाइनअप भी मैं बताऊंगा कौन सी लाइनअप अभी जो है एफ खेलने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा बट फिलहाल अपन बताते हैं एफ ई स्पोर्ट्स तो गाइस देखो लाइनअप अप टूर्नामेंट्स में बता देता हूँ अभी कुछ अनऑफिशियल दो तीन टूर्नामेंट आने वाले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से रही बात ऑफिशियल की ऑफिशियल तो भाई मतलब करना ही है इस बार कुछ भी हो जाए काफ़ी ज़्यादा लॉन्डो ने मेहनत करी है भाई गेम बनता ना डेढ़ साल लिटरली मैंने पूरे डेढ़ साल में खेला रहेगा गेम को पूरे बैन पीरियड में मैं बोल रहा हूँ पचास घंटे खेला रहेगा यहाँ पे ये लोग पाँच दिन में पचास घंटे कंप्लीट कर देते थे तो भाई डेढ़ साल का इन्होंने कम से कम हर एक दिन तीन चार पाँच कभी कभी तो छः सात घंटे भी खेला है पूरे बैन पीरियड में लॉर्डो ने बहुत मेहनत करी है तो होपफुली हमें रिजल्ट्स देखने मिलेंगे इस बार क्यों नहीं इस बार का लैंड टूर्नामेंट में भी मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है एफ को क्योंकि बहुत कम टाइम है एंड इंडिया की टॉप टू टीम्स यहाँ पे बैंकॉक में रिप्रेजेंट कर सकती है भाई क्योंकि दो स्लॉट्स खाली हैं ऑलमोस्ट वो लीक्स वगैरह से अपने को पता चली है कि एफ की जो टॉप टू टीम्स रहने वाली इंडिया की वो क्वालिफाई करेगी और खेलेगी इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे गाइस फ्री फायर था पहले पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था टी एस आर्मी गई थी क्या अभी नया फ्री फायर आ रहा है फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट क्या फिर से टी एस आर्मी कर पाएगी कमेंट में जरूर बताना एंड गाइज आपके भी ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन और रहेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो मैं आपके आने वाले टाइम में सारी चीज़ें क्लियर करते रहूँगा इसी चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना कर दो यार एंड रही बात गाइज स्पोर्ट्स की तो मैं बता दूँ ये, ये टूर्नामेंट अप है एंड एक और चीज दिसंबर में एक और टूर्नामेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू लीग एंड रिसर्च जो हमने करी है अकॉर्डिंग एफ एफ आई के बाद जो टॉप ट्वेल्व टीम्स होगी उनका इनवाइटेड एक लैंड टूर्नामेंट हो सकता है लखनऊ में क्या बात है सर क्या बात है सर तो ये एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है जो कि लैंड टूर्नामेंट होगा इस बार का लैंड टूर्नामेंट क्यों नहीं होगा क्योंकि नवंबर में होने वाला है एफ वर्ल्ड सीरीज़ और अभी अगर ये लोग लैंड कराएंगे इनके लिए ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें लाइन अप है जैसे गेम वापस आ रहा है कैरेक्टर्स इनको लाने इनके कोलेब्रेशन है इनको एफ की तैयारी करनी है तो लैन ये वाला लैन होना बहुत मुश्किल है इस बार हाँ तो ये तुम्हारा समस्या है तो मे बी ये वाला लैन नहीं होगा बट आने वाला टूर्नामेंट जो होगा इन्वाइटेड ओनली वो लैन होगा बट उसमें एफ की टीम्स होगी एफ में अकॉर्डिंग टू मी मे भी टॉप 18 वो जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है ओपन क्वालिफायर इस बार का नहीं है देखो गाइस एफ एफ आई सी का जो ओपन क्वालिफायर्स होता है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है उस पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा बट मैं वो वीडियो अभी नहीं बना सकता ओपन क्वालिफायर्स की क्योंकि अभी ओपन क्वालिफायर्स आ रहा है एंड मैं नहीं चाहता उसमें जो चीज़ें अभी मैं बताऊँ और भी लोग यूज़ करने लग जाए वो चीज़ें हैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मतलब बहुत सी चीज़ें होती है गाइस जो कि ओपन क्वालिफायर्स में एक पॉपुलर टीम के लिए मुसीबत बन जाती है जैसे हम एक पॉपुलर टीम है हम वो चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों की आंखों में रहते हैं एक डिसएडवांटेज रहता है एक पॉपुलर टीम को ये चीज़ डिसएडवांटेज की बात नहीं है मतलब उनके लिए तो फ़ेयर होता है बट उनके साथ अनफेयर हो जाता है पॉपुलर टीम्स के साथ अनफेयर हो जाता है जो कि अनपॉपुलर टीम्स होती है वो करती है क्या करती है क्या करती है नहीं करती है वो मैं बात मैं आपको, मैं आपको जब ओपन क्वालिफायर्स हो जाएगा इस पर एक डिटेल वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे चीज़ें वर्क करती है इधर एंड यस ये था अपना सिर्फ ई स्पोर्ट्स का सीन जो कि आने वाला है अभी सुन एंड गाइस अब बात करते हैं जी आर्मी के लाइनअप के बारे में तो गाइस काफी लोग मुझे पूछने वाले पूछ रहे हैं भाई लाइनअप क्या है अपन ने लाइनअप इंट्रोड्यूस नहीं किया किधर भी ये नहीं किया तो देखो भाई अभी अपना तो फिक्स रहता है जब तक टीम एकदम मेरे को सही नहीं लग जाती मैं लाइनअप वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करता अभी तक एक ऑफिशियल नहीं खेले है सिर्फ बैंड पीरियड में जो टाइम खेल रहे थे खेल रहे थे मेन जो अभी पता चलेगा टीम कैसी है क्या कर रही है लॉर्डो ने मेहनत बहुत मैं बोल रहा हूँ दिल से हंड्रेड मेहनत करी है बट क्या ये मेहनत क्या ये मेहनत वो लोग उधर सफल कर पाएंगे या नहीं वो हमें अभी आने वाले टाइम में दिखेगा तो ये लाइनअप तो अभी फिलहाल प्लेइंग फॉर यही होने वाला है लेजेंड सिदक क्रिस और आयुष ये चार टॉप टॉप फोर होने वाले जो कि खेलने वाले एंड वासियों जो है इन्हें गाइड करेगा पूरी तरीके से प्लान्स वगैरह बनाएंगे मैं और वासीयों में भी फिफ्थ और सिक्सथ रहेंगे बट यस मेन जो लाइनअप रहेगी ये चार रहेंगे ये चारों अपना कोऑर्डिनेशन अपना गेम प्ले जो भी है वैसे करेंगे जैसा कि हमने देखा है ऐसे आने वाले टाइम में एन जिस हिसाब से गेम प्ले हुआ है मुझे पूरा भरोसा है भाई कर लेंगे ये लोग इस बार तो होप फॉर द बेस्ट क्रॉस मैं और डबल डबल लक इनके साथ है इस बार फाइनली होपफुली तो इस बार इनका हो जाए सब कुछ प्रॉपरली देखते हैं आप लोग भी सपोर्ट करते रहना गाइज इसी तरह टीम को बाकी तो यार आने वाले टाइम में हमें पता चली जाएगा तो गाइज ये होने वाली हमारी ऑफिशियल लाइनअप अभी के इस एफ एफ आई सी के लिए इसमें मे भी चेंजेस हो सकते हैं ड्यू टू अभी तक कुछ गाइडलाइंस बाहर नहीं आई है क्या एज लिमिट होने वाली है क्या क्या होने वाला है अभी तक फ्री फायर का कुछ भी बाहर नहीं आया है ई स्पोर्ट्स को लेके तो अगर इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे ई स्पोर्ट्स में कि कुछ ऐसी एज लिमिट सेट कर दे क्योंकि गेम नया है अभी बहुत सारे रूल्स नए आने वाले हैं तो मे बी अंडर एटीन या अंडर ट्वेंटी भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ई स्पोर्ट्स का सीन इस बार काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है तो भाई अगर अंडर ट्वेंटी हो गया तो आपको पता है पूरी लाइन अभी डिसबैंड करनी पड़ेगी ऐसा नहीं हो सकता कह दो कि ये झूठ है तो भाई बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती है क्योंकि अभी तक कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है क्या एज लिमिट है क्या कुछ है तो अपन को वेट करना पड़ेगा गेम की एज लिमिट तो अपन ने देख लिया एटीन और अब अगर आप पढ़ोगे तो आपको उतना सेट है मतलब बहुत सारे रूल्स अभी फ्री फायर ई स्पोर्ट्स फॉलो करने वाला है फ्री फायर फॉलो करने वाला है तो बहुत सारी मुसीबतें होगी बहुत सारे चेंजेस हो एंड